बाबूजी चाय। पापा बिस्किट। हम तो कभी जीवन में ही वही भी न कह ले रानी की हम तीनों पापेटी एक थैंक गॉड थैंक्स। अब तू हमरा अपना पास बुला भी ला कौनो मलाल ला हुई जीवन से हमरा ना। बाऊजी आप आज के बाद हमनी के छोड़ के जाए के बाद कबो मत करी। हाँ पापा अगर आपके कुछ हो गई ना हमने को जिंदा ना रह जाए दोबारा ऐसा मत बोला। तू लोग के दिमाग खराब है। इतना दिन हो गया अभी ले फोन करने के लिए तू लोग हाँ। पता बतो हनी के बारे में सोच के हमनी के का हालत हो रहल बा। और भाभी कहाँ बाड़ी? उन्हें क्या है साथ में? हाँ हाँ जवान कहाँ बाड़ी बोलिया हाँ कैसन बाड़ी? चाचा जी सूरजमती हमनी के छोड़ के चल गई। जवान देख जीवन मरण तो एक शाश्वत सत्य होला। जवान दुनिया में आवेला ओकरा एक न एक दिन कौनो न कौनो बहाना जाए के पड़ेला। लेकिन जवान चल जाला ओकरा साथ केहू के जान संभव थोड़े होला। तार उम्रे का बा जवान बड़ा तू तो तो दूसर ब्याह कर सकेला भी हाँ। एकदम ऐसा ने बाबूजी एकदम ऐसा ने हमारे दीदी आखिरी समय में इनका से कॉलर रहे ए चीचा और तो शादी खातिर आकर देना ए सरजू बोल मत कर हमरा के। चाचा जी रहुए बताई हमरा जैसन भी दूर से के बियाह करे। चाचा जी हम कर विवाह बाऊजी एगो विधवा विवाह पुण्य के काम हो सकेला तो विधुर विवाह का है नहीं आपके हमारी फैसला से एतराज तो नहीं के? एतराज बिल्कुल कोनो एतराज नहीं के बल्कि हम तो तेरा फैसला से खुश बनी हुई थी। और मधुबाला हाँ दीदी तो हार फैसला का बा दीदी हम तो यही सोचता नहीं कि सूरजवती भाभी इतना महान आत्मा के ये भाई कितना पवित्र हुई है ना। बात में तो बहुत दम बा मधु बेटी भाई और बहन के संस्कार एक के होला। लेकिन ये बात तू कहे कहल जाता रू। पापा अगर आपके कोनो एतराज ना होके तो हम सूरजमती भाभी के ई भाई से ब्याह कहल चाहता नहीं। हमरा कोनो एतराज नहीं के हाँ आज आज के दिन हमरा का दिन सबसे ज्यादा खुशी के दिन बा एक साथ हमरा जोली भी इतना खुशी या हाय गॉड थैंक थैंक। हे तभी
बहिया में